नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन के महीने में खाना है आपको तीन चीज। दोस्तों, साल 2023 में सावन का महीना कब है, इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और रक्षाबंधन कब है, सावन के व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, साथ ही साथ सावन के महीने में कौन से फल खाना चाहिए, क्या चीज़ खाना चाहिए, जान ले सब कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सावन सोमवार की व्रत की बात तो कुछ और होती है। सावन के बारे में बात बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए पहले जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। दोस्तों, सावन का महीना इस साल 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसमें बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। 4 जुलाई से शुरू हो रहे इस सावन के महीने में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल कुल 8 सावन सोमवार के व्रत हैं। 4 सावन सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत। इस बार मलमास और पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 4 नहीं बल्कि 8 सावन सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को, चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार व्रत 7 अगस्त, छठा व्रत 14 अगस्त, सातवें सोमवार व्रत को 21 अगस्त और आठवें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी पूरे 58 दिन न कम न ज़्यादा भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं। तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाइए। आपको बता दें कि ये शुभ संयोग पूरे 19 सालों के बाद पड़ा है। दरअसल इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कब है? सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा 30 अगस्त दिन बुधवार के दिन। सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में 5 गलती नहीं करनी चाहिए? भगवान भोलेनाथ को 3 चीज़ें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, सावन के महीने में व्रत विधि और शिवलिंग पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सोमवार व्रत विधि। सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं और चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर तुलसी का पात्र यानी कि तुलसी पत्ता गलती से भी ना चढ़ाएं, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा। पंचमर से रुद्राभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को भी घी शक्कर का भोग लगाएं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें और आखिरी में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों, सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं।
दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुख में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन प्याज कभी मत खाना। साथ ही आप यानी कि कुम्हड़े की सब्जी और पत्तेदार सब्जियां भी मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इनको सावन के महीने में खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए, घर में साफ सफाई रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि सावन के महीने में आपको पत्तेदार यानी जो बंद गोभी है उसे भी नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए। साथ ही आपको सब्जियों में जो कुम्हड़े की सब्जी होती है जिसे कुंडा कहते हैं, कुम्हड़े की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। कुम्हड़े की सब्जी और बंद गोभी वाली जो पत्तेदार वाली गोभी की सब्जी होती है उसे भी सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों बैंगन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शिव हो जाते हैं नाराज और आपको सब उल्टा फल मिलने लगता है। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी आपको यानी कि पत्तेदार वाली जो बंद गोभी है और बैंगन और कुम्हड़े की सब्जी और लहसुन प्याज इत्यादि बिल्कुल भी ना खाएं। दोस्तों सावन के महीने में बाल नाखून शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है, वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा करें, गरीबों को कपड़े आदि के बारे में भगवान शिव बांटे। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दें, गूंगे जीव को भोजन अवश्य कराएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव या उस जीव के रूप में ही भगवान शिव हो सकते हैं। ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए भगवान शिव के पास पांच गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा, शिव जी हो जाएंगे नाराज। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर वन, जहां रखा है शिवलिंग महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते नहीं उतारना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई जूता चप्पल लेकर प्रवेश करता है आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव को भी आप नाराज हो जाते हैं अगर उनके मंदिर में जूता चप्पल लेकर जाते हैं, आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पैर ही प्रवेश करना चाहिए क्योंकि चमड़े के चप्पल हमेशा अशुद्ध होते हैं, इसलिए देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों यहाँ पर नंबर दो, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाते हैं और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। और आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या फिर बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियाँ नाराज होती हैं, आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर की यात्रा, घर में यानी पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना, तुलसी में पानी डालना नहीं चाहिए, तुलसी का पौधा सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तो ऐसे में कभी मत करना दोस्तों ऐसे काम। दोस्तों नंबर तीन, शास्त्रों में बताया गया कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव जी की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग हर वक्त ऊर्जा का संचार करता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए।
जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ाते तो घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुण पुराण में बताया गया है कि जिसे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव कबर बैर माना गया है, इसलिए इसी कारण से तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा कभी नहीं रखनी चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और उस घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, इससे महाशक्तियां क्रोधित हो सकती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी बना के रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या फिर बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिससे स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शरीर रूप से गंदे हैं, शारीरिक रूप से आप अशुद्ध हैं, मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर को कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप सोचिए, क्या आप मांस खाकर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है, इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है, ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए, इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। इसी के साथ ही, क्या आप जानते हैं, सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप भी गलती से इस फल को खाते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है, व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर के शरण में आने पर व्यक्ति को झूठा नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई आपकी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन उधार मांगकर फल आदि ना खाएं, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का व्रत, आपको नाशपाती का फल नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुट्टू या फिर सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपको व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इसलिए भूलकर भी आप ताज़ा आटे का ही सेवन करें। लंबे समय से रखे आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत में हमेशा शुद्धता का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बता दें कि आपको सावन के महीने में आपको फलों में जैसे सेब खाना है, केले खा लीजिए, अमरूद वगैरह खा सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो आप लौकी की सब्जी खा सकते हैं और साथ ही दूध का सेवन कर सकते हैं, दूध की बनाकर खीर का सेवन कर सकते हैं। व्रत आदि करते हैं तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं, इससे विशेष लाभ होगा। सावन के व्रत में आपको खाना है ये चीज़ें, जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में ये 3 चीज़ें खाना है आपको जरूरी। जैसे दूध का सेवन कर सकते हैं सावन के महीने में, और साथ ही साथ साबूदाने की बनी खीर भी खा सकते हैं। साबूदाने की बनी खीर बहुत ही पवित्र मानी गई है, इसलिए इसका सेवन सावन के महीने में कर सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में बेल का फल जरूर खा लीजिएगा। बेल का फल बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुद्ध माना गया है, भगवान शिव इससे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वरदान देते हैं, इसलिए बेल का फल जरूर खा लीजिएगा। बेल का फल बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है, बेल के फल में भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है, इसलिए सावन के महीने में बेल का फल जरूर खा लीजिए। साथ ही साथ आप
खीर खा लीजिएगा और आप सावन के महीने में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही इस्तेमाल करिएगा। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने में पक्का भोजन ही जरूर करिएगा और ब्राह्मणों को जरूर खिलाइएगा। अब आप यह जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर वन, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वो सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित हैं। माने जाते हैं कि इस बात को शायद ही कोई जानता है। नंबर वन, अगर बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा है तो घर में धन धान की कमी कभी नहीं रहती और परिवार खुश रहता है। नंबर तीन, जो व्यक्ति बेल वृक्ष में मूल भाग के गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिव लोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी और कुछ खास बातें। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तिथियों को साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र में शिव को गलती से भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। कटी फटी पत्तियां बिल्कुल भी अर्पित ना करें, शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को ये मिल जाए संकेत तो इससे पता चलता है कि महादेव आप को संकेत से यानी इस संकेत के मिलने से बहुत ही प्रसन्न और आपको धनी बनाने वाले हैं। आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। नंबर वन, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव की मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं, घर की चौखट में सींग मारने लगें, तब समझ जाइए कि महादेव शिवजी आपके घर में आने वाले हैं। ये उनके आने का एक शुभ संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं। आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। आपको धनी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। नंबर दो, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे तो इससे आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन में परेशानियों का अंत होने वाला है। शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी ना आने दें। घर को गंदा ना रखें, साफ सफाई जरूर करें। नंबर तीन, शास्त्रों के अनुसार माना गया कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपको घर में सावन के महीने में नीलकंठ घर पर छत पर आकर बैठ जाए, द्वार पर आकर बैठ जाए, आंगन पर बैठ जाए तो भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ये साक्षात भगवान शिव के आने का संकेत है। दोस्तों, सावन के महीने में जरूर आप यानी कि दूध का सेवन कर लें और साथ ही साथ यानी बेल का फल का सेवन कर लें, केला, सेव, लाल वाला अंगूर यानी इन चीज़ों का सेवन कर लें। व्रत में भगवान शिव को आप एक लोटा जल लें, थोड़ा सा चावल मिश्री उसमें रख लें और बेलपत्र रख लें, एक थाली पे धूप बत्ती रख लें और भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाएं, धीरे धीरे चढ़ाएं, उन्हें चावल उनके ऊपर शिवलिंग पर रखें, सफ़ेद पुष्प रखें और भांग धतूरा उन्हें जरूर चढ़ाएं। ये पूजा में जरूर करें, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ यानी कि बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन गलती से भी आपको यानी कि उनके ऊपर जो चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए वो ना चढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर यह खास जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।